teachers and my dear students. Today we talk about food, food habit, nutrition and diet. Khana, khane ke tareeke, portion and aur santulit aahar. Aaj hum is 21vi sadi ki sabse badi samasya ke bare mein charcha karne ja rahe hain. Hamare desh ko azad hue 67 saal ho rahe hain. Ji haan, सही सुना आपने, 67 साल. क्या कुछ नहीं बदला इन 67 सालों में? हमारा देश आज विश्व की महाशक्तियों का हिस्सा बनने जा रहा है. आज हमारा देश अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयां नाप रहा है. विकास, उन्नति, सुंदरता, सुरक्षा, जितने चाहे उतने अलंकार इस देश की तारीफ में बोले जाएं कम है. एक विचार फिर भी हमारे मन में आ जाता है. जहाँ एक तरफ हम प्रगति के रास्ते पर अपनी दौड़ लगा रहे हैं, वहीं हमारे देश में कुछ खामियां हैं जो ये सारे विकास, इन सारी उन्नति को फीका कर जाते हैं. जैसे कि कुपोषण. इस समस्या से हमारा देश एक अरसे से जूझ रहा है. तो हमारी ये प्रस्तुति आज आप सभी को पूरे तरीके से तो नहीं, पर एक छोटे और महत्वपूर्ण तरीके से ज़रूर जागरूक कर देगी. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. हमारा भारतीय समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा है, एक अमीर और एक गरीब. अमीर आदमी को अलग अलग तरह के खान पान जैसे मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है, जो कि पौष्टिक, स्वादिष्ट और सुरक्षित होते हैं. मगर परिणाम स्वरूप अमीर इस खाने की अहमियत को नकारते हुए उसे फेंक रहे हैं और उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इस कदर भूखा हूँ साहब, धोखा भी खा लेता हूँ. इस कदर बेबस हूँ साहब, उम्मीद करना भी भूल चुका हूँ. सरकारी गोदामों में, कोल्ड स्टोरेजों में, राशन के कंट्रोल में खाना, सब्जियाँ, फल फूल बड़ा बड़ा सड़ रहा है, जिससे नतीजा ये निकलता है कि गरीब आज भी हमारे देश में भूखे सो रहे हैं. पौष्टिक आहार न मिलने के कारण यही लोग कुपोषण के झांसे में आते जा रहे हैं. हम बचाते रहे दीमक से घर अपना, चंद कीड़े कुर्सियों के मेरा दिल खा गए. कुपोषण होता क्या है? संतुलित आहार की कमी, सामान्य से कम आहार की उपलब्धि और सामान्य से अधिक आहार का सेवन.
जैसा कि दुनिया का नक्शा इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि इस देश में 100 में से कितने लोग कुपोषण का शिकार हैं, यह नक्शा ये भी दर्शा रहा है कि कुपोषण अफ्रीका और एशिया में एक भारी मात्रा में फैला हुआ है। यह भारतीय नक्शा हमें यह दिखा रहा है कि उत्तर भारत में कुपोषण काफी भारी मात्रा में पाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुपोषण टंके की चोट पर है और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा। यह भारतीय नक्शा एक और बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि भारत में हर जगह छोटी या बड़ी मात्रा में कुपोषण अपनी पकड़ बनाए हुए है। ऐसा क्यों है, यह बहुत बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार पर विभिन्न राज्यों की सरकार से हम दो वक्त की रोटी कमाने वाले मध्यम वर्गीय लोगों पर, उनसे जो इनका हक चुराकर बेच खाते हैं, उनसे जो इनका हक गोदाम में सड़ा डालते हैं, उससे जो हमारे अंदर का इंसान है, हमारे अंतर मन से। इस सवाल का जवाब तो है, पर वह सिर्फ बातों में है, असलियत तो कुछ और ही है। कुपोषण को आप, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में कुपोषण के बारे में कुपोषण के बारे में कुपोषण कुपोषण तो मतलब ये इसी से खाने से रिलेटेड ताल्लुक करता है। ठीक है, मतलब आप अगर पूरा ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो बच्चे जो है इसका शिकार हो जाते हैं, कोई उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, उसको कुपोषण बोलते हैं। तो खाने का ध्यान रखिए, इडली कम से कम अपने बच्चों को देखिए, बच्चों का खाने का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों का खाना पूरा हो जाता है, मतलब क्या भाई, गरीब आदमी बच्चे मांग जो बच्चे लाते तब खाना होता है, बच्चे मांग के लाते हैं यहाँ पे रोड पे, मांगने जाते हैं दे देते बड़े दत्ता 5 पीले 2 पीले, अब कौन से बेटा बिन किसे है, ड्यूटी डप्टी जुबा लेते हैं, नहीं तो कलम चलाए खाना तैयार, पूरा नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता खाने, आज बच्चे भूखे रह जाते हैं। कोई सी सी बेटा लिख दो, इसके बहुत कमजोरी देखो, हड्डी बुड्डी कोई लिख दो, अंटी की दुआ से खूब बने रहो, कोई सी सी बढ़िया वाली लिख दो, फायदा होता कम दे जाता है, मैं खुद रख लेते सरकार, गरीबों को आता भी हो सरकार रख लेते। हमारे यूनिट के सदस्यों ने जब इनसे कुपोषण के बारे में पूछताछ की तब यह पता लगा कि कुपोषण के बारे में इनका ज्ञान शून्य था। इस औरत ने अपने बच्चों को भीख मांगना सिखाया और जो भी पैसे इसके बच्चे इधर उधर से मांग लाते थे उसी से इनका खाना पीना हो पाता है। अंत में वह यह शिकायत भी करती है कि जो खाना पीना सरकार उनके लिए आरक्षित करती है वह सारा स्वास्थ्य अधिकारियों की जेब गर्म करने में ही लग जाता है। हमारे हम मशीनों की गुर्बत भी निराली है, जरा आबाद होते हैं हमें बर्बाद करते हैं। मैं तो टूटा हुआ पत्ता हूँ, मेरी औकात ही क्या है, खून पैरों से मसलते हैं पेले शहर के लोग। भारत में हर साल 21 लाख बच्चे 5 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, और तो और हर 4 मिनट पर एक बच्चा मौत का शिकार बनता है, कारण कुपोषण। कुपोषण की इस भयभीत स्थिति को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए कुछ कदम जहां एक तरफ प्रशंसनीय है वहीं दूसरी तरफ आलोचना के भी पूरे हकदार है। खाद्य सुरक्षा कानून सदन ने अगस्त में पारित किया था, जो कि हमारे संविधान में 12 सितंबर 2013 को शामिल कर दिया गया। यह बिल भारत के
करोड़ लोगों के होती है हिस्से को सस्ते रेट से दाम चावल और गेहूँ बेचने का दावा करते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून की आलोचनाएं कुछ इस प्रकार है। पहला, खाद्य पदार्थों को गोदामों में बड़े बड़े सड़ जाना और दूसरा, अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों की हेरा फेरी। अगर गरीब फाके से मर रहा है तो यकीन बदहजी से मरेगा। हमारे हिसाब से लोगों को शिक्षा के द्वारा जागरूक कराना, कुपोषण से लड़ने के तरीकों के बारे में ज्ञान देना, ना कि सिर्फ सरकार द्वारा ये कदम उठाना बल्कि हमारी स्वयं की कोशिश बहुत से बदलाव एवं जिंदगियां बचा सकती है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। So now I would like to invite Siddharth, BCom honors first year student. Yeah.